गाइज, अगर आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो होता है, कुछ इस तरह का एरर शो होता है, द प्रोसीड्यूर एंट्री पॉइंट नॉट फाउंड या कुड नॉट बी लोकेटेड इन द डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, कुछ इस तरह का एरर शो होता है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपने किसी भी फेवरेट ब्राउजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है विजुअल सी प्लस प्लस रीडिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर विजुअल स्टूडियो 2013, या कोई भी आप यहाँ पे ईयर डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 2013 ही लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो 2013 को ही, मतलब की हेल्प से ही मैं यहाँ पे ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो मैं आपको यहाँ पे टाइप करूँगा VISUAL विजुअल सी प्लस प्लस रीडिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर विजुअल स्टूडियो 2013, और आपको इस पहले वाले ही ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ इंग्लिश, और यहाँ पे मैं इसे डाउनलोड पे क्लिक करके मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 64-bit आर्किटेक्चर वाला भी यहाँ पे एप्लीकेशन है, जो ये एप्लीकेशन है विजुअल स्टूडियो सी प्लस प्लस डिस्ट्रीब्यूटेबल फाइल जो यहाँ पे है 64-bit का भी है, और यहाँ पे 32-bit का भी है। 32-bit का मतलब ये है, मैंने 86 आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, उसका मतलब 32 ही है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपके विंडोज़ कौन सा विंडोज़ आपके यहाँ पे इंस्टॉल है, 64-bit आर्किटेक्चर वाला विंडोज़ इंस्टॉल है कि 32-bit वाला आर्किटेक्चर इंस्टॉल है। उसे चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊँगा, तो आपको उस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है SYSTEM सिस्टम इन्फो देन एंटर आपको यहाँ प्रेस करना है। आपके सिस्टम के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सिस्टम टाइप में आपको यहाँ पे 64-bit यहाँ पे आपको लिखा हुआ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, या आपका 32-bit का आपका यहाँ पे होगा तो आपको यहाँ पे 32-bit आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे मेरा 64-bit यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं 64-bit वाला ही यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसे चेक मार्क कर मैं यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अगर आपका 32-bit का रहता है तो आपको यहाँ पे 32-bit वाला ही आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। 32-bit का मतलब ये है 86 वाला, जैसे मैं आपको बताया था पहले भी। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे 2013 को आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस डिस्ट्रीब्यूटेबल को। तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो आपको इसे कट करना है, इसे भी कट करना है, और आपको इसे भी कट करना है, और आपको अगेन अपने कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को इस बार आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की ही हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप करना है एक कमांड, आपको यहाँ पे टाइप करना है SFC माने सिस्टम फाइल चेकर स्पेस लैस स्कैन नाउ। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपका सिस्टम यहाँ पे स्कैनिंग होगा कुछ सेकंड के लिए, और आपके सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम हुआ, किसी भी तरह का कोई भी एरर होगा या कोई भी आपका फाइल वगैरह करप्ट हो गया होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसे रिपेयर भी करने लग जाएगा। और जब भी आप इस कमांड का यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन वगैरह आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आप इस कमांड का यूज़ कीजिएगा, तभी आपका ये कमांड ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे वेरीफिकेशन हो रहा है, 2% वेरीफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये वेरीफिकेशन आपका 100% तक ये वेरीफिकेशन होगा, और ये वेरीफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है तो उसे यहाँ पे रिपेयर कर रहा है। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज शो होगा। मैसेज शो हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ से कट कर लेना है। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे कट कर लीजिएगा 100% हो जाने के बाद। फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है, आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, और आपका जो पहला आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो एरर आ रहा था एंट्री पॉइंट के रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम आपके यहाँ पे परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। वो प्रॉब्लम आज के बाद कभी आएगा भी नहीं आपके सिस्टम में। और गाइज, अगर आप अभी तक मेरे अनदर सोशल मीडियाज़ को फॉलो नहीं किए हो, ज्वाइन नहीं किए हो, तो जल्दी जाकर ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे भी बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह डालता रहता हूँ, जो आपको हमेशा कभी ना कभी काम में ही आएगा। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और,
सब्सक्राइब बटन पे दो तीन फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।